सलाम किया। अब आप हजरात से सिर्फ इतना अर्ज करूं कि आपको बहुत तकलीफ हुई। मुसलसल आते रहे। अब कोई आपको रहमत नहीं देगा, अब कोई आपको तकलीफ नहीं देगा, मगर आज के बाद खुद ढूंढते फिरोगे। एक बेचैनी सी महसूस होगी कि हाय अब ये वक्त कैसे बदल। जाहिर है मैंने कल ही अर्ज किया था कि मैं दसवीं मुहर्रम को दुआ करने का आदि नहीं हूं, दुआ नहीं करूंगा। वो आपके अहवाल से आपकी शहजादी बाखबर है, इसलिए मैं दुआ नहीं करूंगा। अब वो आपके दिल का खुलूस, आपकी आवाज, मैं दुआ नहीं करूंगा। मगर मेरी एक तमन्ना है, मालूम नहीं जिंदगी साथ दे के न दे। बरसों गुजर गए, मुझे चीखते। आशूर के दिन फकत इतनी तमन्ना रहती है कि ये मजमा हो, हुसैन का जिक्र हो और बीबी फातिमा आ जाए। बस बीबी फातिमा आ जाए और मैं कहूं सवारी आई। हकीकत यह है कि हुसैन इब्ने अली ने हमको पहचानवाया, मिल्लत को पहचानवाया। हुसैन इब्ने अली ने मिल्लत इस्लामिया पर एहसान किया और फिर यह सजदा और तकर्रुब ने तो जाहिर कर दिया कि हुसैन इब्ने अली यह चाहते थे कि उस मेराज कमाल इंसानियत पर फाइज हों, तो जहां सिर्फ वो दोस्तान खुदा फाइज होते हैं कि जहां आवाज दी जाती है फतखुली फी इबादी वतखुली जन्नती।
मेरे बंदों में दाखिल हो जाओ, आए साहेब नफ्स मुतमईना, इर्जई इला रब्बिक राज़ियतन मर्ज़िया। तो बस ये नहीं कि बेख्तियार आपने मैदान में पहुंच के सर रख दिया, बल्कि आपने ये बतलाया कि फतेह खैबर का बेटा भी हूं, फतेह बद्र हुनैन का बेटा भी हूं, इस प्यास में लड़ूंगा, औलाद को खो के लड़ूंगा। चुनाचे अब जो हवाले दिए जा रहे हैं उस पर नजर रहे। एक कुम रजब की जियारत, नीमा शाबान की जियारत, ईदान की जियारत, और खसूसियत से इमाम सादिक ने कहा कि अरबईन की जियारत। और इस जियारत में फरजंद रसूल से यह कहो कि मौला आपने जहाद का हक अदा कर दिया। ये जियारतों की गिनती है। और अमीर उलमीन की जियारत में इसी तरह से आप पाएंगे, मगर तफसील के साथ, जिसका कल मैंने तस्करा किया कि अमीर मौला आपने मारिकीन से जहाद किया, नाकसीन से जहाद किया, कासिसीन। मगर इस वक्त सिलसिले में एक बात, और वो ये कि जहाद ही वो मंजिल है कि जहां इंसान कमाल जहाद पर अपने वादे को वफा करता है। इसीलिए अरबईन की जियारत में इमाम ने कहा, ये कहो अशहदु अन्नका वफ़ैता बिअहद व जाहदता फी सबीलिल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि तूने अपने वादे को पूरा किया और अल्लाह की राह में जहाद किया जो हक जहाद करने का था। अमीरुल मोमिनीन तशरीफ फरमाए कूफे में, इत्तला मिली कि सुफियान इब्ने औफ बनु गामित के सरदार ने, जो मुसलमान था, उसने अंबार पर जो फुरात के करीब एक गांव था हमला कर दिया और एक जिम्मी औरत की कान की बालियां उतार ली और एक मुस्लिम औरत के चादर को छीना। तो बेख्तियार आपने जो खुतबा दिया है वो नहजुल बलागा में कयामत तक महफूज रहेगा कि अल जहाद अल जहाद जहाद बाबुन मिन अब्वाबिल जन्ना फतहुल्लाह लिखासत औलिया, यही जहाद जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है जो खुदाबंद अली आला अपने खास बंदों के लिए खोलता है। और फिर आखिरी दिन अली का सिफीन में, उसके बाद अली की शहादत, आखिरी खुतबा अली का नहजुल बलागा में मौजूद है। आतिशात फरमाया, अम्मार कहां है, इब्नु तिहान कहां है, जो शहादतैन कहां है, ये सब शहीद हो चुके थे। एक एक को आवाज दी शहादा में से और कहां है, उसके बाद पुकार के दो मरतबा कहा अल जहाद अल जहाद, सिफीन को जहाद करार दिया है। ये ख्याल रहे किसी के जहन में यह बात न हो कि अगर इस तरह से खत्मी मरतबत के पैगाम को पहुंचाते हुए कोई अपने दिल में यह समझे कि कलमा गो है मुसलमान है, नहीं, कल जैसा कि अर्ज कर रहा था, जाहिदिल कुफार वल मुनाफिकीन, तो यह जहाद जो अली और हुसैन की खिदमतों में और उनकी कोशिशों में और उनके जद्दोजहद में पाया गया, तो यह वही मंजिल है कि यह नहीं किया कि मैदान करबला में पहुंचे और सर रख दिया, नहीं, जहाद जद्दोजहद, और इसी जद्दोजहद का नतीजा यह है कि
उसको सही माना में मुजाहिद कहते हैं, वो जिहाद करने वाला जिसकी दुनिया में नजीर नहीं है। मगर अफसोस यह है कि अल्फाज का इस्तेमाल कुछ इस तरह से होता चला और उर्दू, फारसी और अरबी अदब से नावाकिफ अहबाब ने जब कलम का इस्तेमाल शुरू किया तो उन्होंने वो राहें अख्तियार की जो कौम तो कौम खुद मेरे लिए तकलीफ दे हो गई और मुझे तकलीफ उस दिन हुई जब मैंने सातवीं मुहर्रम को एक मुहर्रम नंबर देखा निदाए बल्तिस्तान का, उसमें मेरी तस्वीर थी। जिस तस्वीर की मुझे जरूरत नहीं है, मैं दिलों में हूं, मैं दिलों में हूं, मर जाऊंगा जब भी रहूंगा, मुझे जरूरत नहीं थी। मगर उसके नीचे लिख दिया सफीर सैयदु शोहदा। मैंने मुनव्वर अब्बास साहब एडवोकेट से कहा, जाके कहो माइक्रोफोन के पास, मेरी आवाज साथ नहीं दे रही है, कि मुझे दुख हुआ, मुझे तकलीफ हुई, इसलिए कि सफीर सैयदु शोहदा फकत मुस्लिम ने अकील का नाम है। अल्फाज के गलत इस्तेमाल से हमको तकलीफ होती है। कम अज कम मेरी हद तक दुनिया जिम्मेदार है अपनी। एक तार मुझे दिया रात में फरोगे अज़ा ने कि मैं मिंबर पर अर्ज करूं आपकी खिदमत कि मेरा क्या मौकफ। मेरा मौकफ यह है कि खुदा और रसूल गवाह है, ज़ात अज़्ज़ वजल गवाह है कि मुझे अपने सिर्फ नाम से कोई पुकारे, मुझे कतअन पसंद नहीं है, मुझे ना महबूब है, मुझे दुख हुआ, तकलीफ हुई और खिजालत सी महसूस हुई कि लिखने वाले ने सफीर सैयद शोहदा लिख दिया। और अब मुनव्वर अब्बास साहब ने उसके साथ ही कहा था कि और भी पर्चे हैं कि जिन्होंने बगैर मेरी किसी तहरीर के मेरे नाम से पयाम भी दे दिया, और इसी निदाए बल्तिस्तान ने गुज़िश्ता साल मेरे नाम से मेरा पैगाम भी छाप दिया था और मेरे दस्तखत भी कर दिए थे। इसलिए मैं जाहिर है उनके मुताल्लिक तो कुछ नहीं कहता, हर एक अपना अपना रास्ता जानता है, मगर कम अज कम मेरी हद तक मैं मारूजा करूं, मेरी हद तक मैं मारूजा करूंगा कि मेरे नाम के साथ कोई लफ्ज ऐसा न लिखा जाए। और अगर ये पर्चा फिर छप रहा है तो उसमें से इसको काट दिया जाए, और अगर वो न काट सके और अगर आप लेना चाहें तो उसको काट के लें, उस लफ्ज को काट के। आपने सुन लिया मेरी सलाहत है, और मुझे इसकी जरूरत इसलिए नहीं हुई कि मुझे कहा गया कि मैं कहूं, नहीं, मुझे तकलीफ हुई, मुझे दुख हुआ, इसलिए कि मैं खुद जब यह जानता हूं कि जो अलकाब मासूमीन के लिए हैं अगर वो किसी को दे दिए जाए तो मुझे जो तकलीफ हो सकती थी वही हुई, और कौमी नज़्म व नसक के लिए यह लाजिम है कि जब कौम के खिदमतगार कोई दरख्वास्त करें, कोई ख्वाहिश करें, तो उनको अहले कलम हजरात गौर से सुने और जिद न करें। अब भी वक्त है, अगर प्रेस में पर्चा है, जाहिर है जैसा कि मैं सुन रहा हूं, तो उस लफ्ज को या महो किया जाए या उस पर स्याही फेर दी जाए। हजरात, हम हमेशा
सिर्फ एक चीज का सबूत देते रहे जिंदगी गुजर गई हमारी एक सबूत में, वो ये कि मोहब्बत मौला, मोहब्बत मौला, मर्जी मौला, उनकी मर्जी, उनकी मोहब्बत, उनकी मारिफत, और उसी में अपने वक्त को गुजार रहे हैं। खुदा और रसूल गवाह है, खुदा है खुद्दू से लम यजलो ला यजाल की कसम खाकर कहता हूं कि अगर इस मर्जी मौला के ढूंढने में मौत आ जाए तो पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। मगर मगर हुसैन का नाम लेकर उनका मातम करते हुए कभी इस अमर की कोशिश न करेंगे कि जा रही हो, कभी इस अमर की कोशिश न करेंगे कि कहीं, बार बार कहता हूं, हर साल कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं कि आप पे पत्थर बरसे या आग आए, अपने रास्ते से जाइए, अपना रास्ता इख्तियार कीजिए, देखते रहिए दुनिया को। अरे जहां सारे हुसैन के पत्थर आए, न तुमको क्या तकलीफ है, मुसलसल बावजूद इस खस्तगी के हर आन टेलीफोन पर रहता हूं, मैं चल नहीं सकता हूं, हर आन टेलीफोन पर रहता हूं, कंट्रोल मुसलसल इतला देता रहता है कि अब यहां पहुंचे, अब यहां पहुंचे, अब यहां पहुंचे। शाम तक यही तश्वीश रहती है कि आप किस तरह से जाते हैं, आप किस तरह से चलते हैं। मेरे दिल की आवाज है कि रास्ते से सीधे जाएं और जो वक्त दिया गया है उस वक्त का ख्याल रखें, एक, और जो मराकिज आपके जहन में आए कि यहां नुकसान पहुंचता है तो वहां घबराएं नहीं, परेशान न हो, अपना मातम करें, मातम करें, आगे बढ़ जाओ। एक मातमी दस्ते और दूसरी मातमी दस्ते के दरमियान जगह न छोड़े, जगह न छोड़े, मिलकर चले, मिलकर चले, ताकि दुनिया देखे, दुनिया देखे कि मातम करने वाले किस नज्मों नसक के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और फिर एक बात जो इसी सिलसिले में है वो ये है कि अगर कभी कहीं किसी मकाम पर यह महसूस हो, यह महसूस हो कि खुद आलम जुलजना पर किसी ने कुछ फेंक दिया तो वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, कतन नहीं है आपकी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी मातम, वो आपके कारकुनों की जिम्मेदारी है, वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, वो नज्म व नसक की जिम्मेदारी है, वो हुकूमत की जिम्मेदारी है, इत्तला देने वाले देंगे कि यह हुआ, मगर रास्ता छोड़ के गलियों में जाना मुनासिब नहीं है। देखिए एक अजीब बात, वो ये कि आज आप भी जुलूस निकाल रहे हैं और मेरे सुन्नी भाइयों का भी जुलूस निकल रहा है, जुलूस तो है ना, अरे किसी और के नाम से तो नहीं है, देखो कहां तक बात आ गई, दुनिया रोक रही थी कि अरे शिया सबील बनाते हैं बनाओ, अरे सुन्नियों सबील ना बनाओ, मगर सुन्नियों ने मान लिया नहीं, हर साल देखते जाइए उनकी सबीलों में इजाफा है, हर साल देखते जाइए उनके सबीलों में इजाफा है, जहां जाते हैं सबील, जहां देखते हैं अलम, जहां देखते हैं बराबर बराबर यही लिखा हुआ है कि प्यासो पियो सबील है ये उस इमाम की। बहरहाल सबीलें बनी, बिल्कुल उसी तरह इनको रोका गया, अरे तुम क्यों जुलूस निकालते हो, तुम क्यों जुलूस निकालते हो, जुलूस वह निकाले जो मातम करे। तो कोई रुक गया नहीं,
नहीं, वहां भी अल्हम्दुलिल्लाह तादाद में इजाफा हो रहा है और मैं खुश हूं। कागज की जरी है, कागज के ताबूत, कागज के मीनार, और उसी तरह से वो पुकारते हुए जाते हैं, ये किसका जुलूस है? किसी और के नाम से वो पीछे आ रहा है। आपको इजाजत दी और कहा जब आप गुजर जाए तो उस जुलूस को मौका दिया जाए, वो भी जा रहे हैं। तो इसलिए आप अपने वक्त से जाए, वो अपने वक्त से आए। तो इसलिए हमको चाहिए कि एक ऐसी कैफियत रहे बरादराना कि भाई हमने इस तरह से इस हक को अदा किया, तुम उस तरह से उस हक को अदा कर रहे हो, चलो आज सब मिलके दसवीं मुहर्रम की मनाएं। मेरे मारूजात को आपने सुन लिया, मेरे पैगामात को आपने सुन लिया। मैं जाहिर है कि माजरत खा हूं कि मुझसे हक अदा न हो सका। मैंने मजलिसें पढ़ी मगर मेरे दिल को तसल्ली नहीं हुई। जाहिर है कि इस आलम में जबकि मेरे मुआलिज मुसलसल ये कह रहे हो कि अब आप मजलिस नहीं पढ़ सकेंगे, अब आप मजलिस नहीं पढ़ सकेंगे, मैंने जिद की, मजलिस से मजलिस पढ़ी, आज यहां तक पहुंच गया और मालिक की बारगाह में सजदा रेज हूं कि उसने मुझे यह मौका अता किया कि मैं फातिमा के लाल की खिदमत में दस बस्तार करूं। फातिमा के जानी मुझसे खिदमत न हो सकी, फातिमा के लाल मुझसे खिदमत न हो सकी। जाते हो मौला, खुदा हाफिज। जाते हो मौला, खुदा हाफिज। अब्बास, खुदा हाफिज। अली अकबर, खुदा हाफिज। औलो मोहम्मद, उम्मेराबाद के शीर खार बच्चे, आप हमारे मेहमान थे मौला, हमारे घरों में आबादी थी, आप जा रहे हैं, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। हम जिस अंदाज में खुदा हाफिज कह रहे हैं, क्या इसी तरह रुख्सत आखिर के वक्त बहन ने भी कहा? अरे बहन तो तड़प गई, बच्चे तड़प गए। हुसैन ने कहा अब हम जाते हैं, अब हम जाते हैं। आत्मा का लाल चला, आत्मा का लाल चला, खूब लड़ाई हुई, खूब लड़ाई हुई। जनाब ज़ैनब ने अब्दुल्लाह इब्ने जाफर तैयार से कहा, अब्दुल्लाह मैं शाहिद आईनी थी मेरे भाई की लड़ाई की, मैं तन्हा थी, पर्दे को उठा के देख रही थी, मेरा भाई कभी मैमने पर जाता, कभी मैं सरे पे जाता, कभी कल्ब पे जाता और बार बार कहता प्यासे की लड़ाई देखो। जिसका जवान बेटा मर गया उसकी लड़ाई देखो। जब लड़ाई खत्म हुई आसमान की तरफ सर किया, गौर से वक्त को देखा और कहने लगे हाँ हाँ वक्त आ गया, वक्त आ गया, वादे के पूरा करने का वक्त आया। तलवार को नियाम में रखा, जख्मी होते चले, सीना जख्मी, गला जख्मी, साइड जेबा जख्मी, बाजू जख्मी, पेशानी जख्मी और पुष्ट सुलझना पर झूठते चले। दोनों हाथ सुलझना के गले में डाल के कहा सुलझना अली अकबर के बाजू डाल। अली अकबर के बाजू, अली अकबर के पास चल के उतार दे सुलझना। आहिस्ता आहिस्ता चला, एक मकाम पर पहुंचकर सुलझना रुका और दो हाथ कांपते हुए निकले जमीन से।
उन हाथों का मिला जो सहारा हुसैन को, घोड़े ने बेतकान उतारा हुसैन को, सीनेजा सीना ने खेच के पारा हुसैन। फिर तो रहा न जब्त का यारा हुसैन, मेरा मौला बेहोश हो गया। फ़ग़शी अलैहि सलाम देर तक बेहोश रहे, देर तक बेहोश रहे, और फिर उसके बाद जब आंख खुली, कातिल को सराहने देखा, इजाजत नहीं ली, इजाजत नहीं ली, पेशानी पेशानी मिट्टी पर रख दी और कहा इलाही खद वफई तो बेहदी ऊ बेहदे, मैंने अपने वादे को पूरा किया, अब तू अपने वादे को पूरा कर। इलाही सबरन अला बलाएक व तस्लीमन लिअम्रे व रिदन बे कजाएक, तेरी कजा पे राजी हूं, तेरे हुक्म को तस्लीम करता हूं, और परवरदिगार मैं तेरे इम्तिहान में पूरा उतर चुका हूं। ला महबूद सिवा कोई महबूद नहीं है सिवा तेरे, या गियासल मुस्तगीसीन। और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कुछ कह रहे थे, बाद में किसी ने कातिल से पूछा, कातिल आहिस्ता आहिस्ता क्या कहा, कहा तीन मरतबा कहा अब्बास अब्बास। सैदानी को रास्ता दो, फातिमा की बेटी को रास्ता दो, मोहम्मद की नवासी को रास्ता दो, तलवार वालों को हटाया, नैले वालों को हटाया, खंजर वालों को हटाया। एक पटवा दूर से देखा भाई की लाश तड़प रही है, पुकार के कहा अंता की, क्या तू मेरा भाई है, क्या तू मेरा भाई है। आवाज आई इलैया इलैया आओ, आखिरी खिदमत अदा करो। आगे बढ़ गई, आज तीनों को उलट दिया, दोनों दानों रेती पर रख दिया, और भाई की लाश को फातह खैबर की बेटी ने उठाया। खुदावंदा ये आखिरी कुर्बानी